जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि कहा गया था कि तूफान आता है तो चारों तरफ जो शोर होता है ना, वो थम सा जाता है। तो वह समय आने वाला है और वह निश्चित समय बहुत जल्द सुनिश्चित होने वाला है। कहा गया है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इस और प्यार का मजा लीजिए। तो इतना ही कहेंगे कि जो लोग बेसब्री से इंतजार में थे कि अपना भाई, अपना बेटा, अपना घर का लाल कब आएगा, सन ऑफ भारत मनीष कश्यप कब आएगा, तो उसके इंतजार में जितने लोग आशा लगाए बैठे थे, माता पिता चाचा वही जितने भी लोग लगे हुए थे, बस वो पल दूर नहीं है मेरे साथियों। बस इतना ही कहेंगे कि बहुत कुछ समझा जाता है, हर चीज जुबा से बताएं ये जरूरी नहीं, लेकिन दिल थाम करके बैठिएगा और उन विरोधियों को भी मैसेज दे दीजिएगा, उसी की पेटी बांध ले, तूफान आने वाला है और उस तूफान में कहीं वो विरोधी हवा में उड़ मत जाए। संघर्षों का जो दौर था जारी, वो संघर्षों का दौर वो खत्म होने वाला है। अंधेरा जो था छाया हुआ मनीष कश्यप के ऊपर, वह अंधेरा हटने वाला है। कौन कहता है कि हमारा वक्त नहीं बदलता, वक्त भी बदलने वाला है। और नया तरीका से, जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने विध्वंस किया था कंस का, वैसे ही मनीष कश्यप जेल से आने के बाद, और बहुत ऐसे दुराचारी हैं जिनका विध्वंस खुद पे खुद हो जाएगा, मनीष को विध्वंस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके किए हुए कर्तव्यों का मोल बिहार के नहीं पूरे भारत के युवाओं के बीच में है, मजदूरों के बीच में है, हर जरूरतमंदों के बीच में है। तो मनीष के किए हुए कार्य को कोई भूल नहीं सकता है। और इस टी शर्ट पे आप देख रहे होंगे, भारत के नक्शे में मनीष दिख रहा होगा आपको, और एक तरफ तिरंगा और एक तरफ जय हिंद दिख रहा होगा। तो यह टी शर्ट जो है आप लोग समझ सकते हैं, और यह एक प्रेरणा है एक दूसरे को सपोर्ट करने का। हम अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं इस माध्यम से, और बहुत सारे भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, केवल एक हम ही नहीं है। तो हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभा रहे हैं, और मित्रता उसी को कहते हैं। सारे दुश्मन एक तरफ खड़े हो जाए, लेकिन अगर आपका मित्र आपके साथ खड़ा है ना, तो मनीष कश्यप कभी हिलने वाला नहीं और कभी उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। और साथी वही बनिए जो सारथी बन सकता है। हम साथी हैं, लेकिन मनीष कश्यप का सारथी भी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि जब कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनकर के नैया पार लगाए थे और रणभूमि में उतरा था रथ को लेकर के, उसी प्रकार से बहुत ऐसे भाई हैं जो रथ लेकर के उतरेंगे मनीष कश्यप के लिए, और रणभूमि कुरुक्षेत्र बन जाए या जो बन जाए, उसमें विजय सदा सत्य की होगी, और वह सत्य बहुत जल्द समक्ष आप सभी के आने वाला है। चारों दिशाओं से एक ही नारा आएगा कि घर का बेटा आ रहा है, जुबा नहीं हर दिल पे छा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और आप सभी खुशियां मनाएं। हर हर महादेव।